नमस्कार आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी अभी इस वक्त हम एकौना पंचायत में हैं और एकौना पंचायत में भूमि संरक्षण के जो भी पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और यहां भी मेडिकल किट वगैरह वितरण होगा कुछ आ, सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि जो भी ये मेडिकल किट प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस सब के बारे में कुछ खास खास प्रोडक्ट पर थोड़ा सा प्रकाश दें चूँकि तमाम किसान आपको देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो भी जो संस्था है ब्रिलियंट बायोफार्मा के हैदराबाद की एक संस्था है उसी का ये अच्छे गुणवत्ता के साथ ये पशुपालकों को उपलब्ध कराया जा रहा है जो जल छाजन के तरफ से भूमि संरक्षण 2.0 के जीरो के, के सृजन से प्रोजेक्ट वन में ये काम चल रहा है अभी इसमें आपको किसानों के लिए डिबॉर्मिंग कराने के लिए क्रीमिनाशक क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो भी कोई खाना अगर मवेशी को देता है अगर उसके पेट में कीड़े रहेंगे तो सिक्सटी परसेंट उसका पेट का कीड़ा खाएगा तो जानवर के शरीर को लगेगा नहीं जो भी खली चोकर भूसी है या पशुपालक कोई भाई पर, फिर सप्लीमेंट खिला रहे हैं कैल्शियम खिला रहे हैं विटामिन खा रहे हैं तो सिक्सटी उसका पेट का कीड़ा खा जाएगा तो जानवर के शरीर को लगेगा नहीं तो सबसे पहले हम किसान भाई से बहनों से अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले अपने मवेशी का कृमिनाशक दवा दे जो जो हार्मफुल कीड़ा है उसको बाहर कर दे कि जो जानवर खाए उसको पूरे शरीर को लगे और जानवर के शरीर का इम्यूनिटी बूस्टर करे इसलिए हम लोगों ने इस किट में ऑक्सफेंडा जोल करके बोलस दिया है वो प्रेगेंसी सेफ़ है जो जानवर गाभिन है उसको भी आप आराम से दे सकते हैं जो जानवर गाभिन नहीं है उसको भी दे सकते हैं और सबसे खुशी की बात है कि जो ए वर्कर जो ए करते हैं अगर वो अगर अपने पशुपालक को या किसान को अगर पहले डिवॉर्मिंग कराते हैं ऑक्सफेंडा से तो उससे ये होगा कि उनका कंसेप्शन रेट भी बढ़ेगा जो डबल सीमेंट देना पड़ता है जो पशुपालकों को व्यर्थ एक सीमेंट का और डेढ़ सौ रुपये जो पे करते हैं वो पे करने से बच जाएंगे वो डायरेक्ट पशुपालक को ए के एक बार में ही जानवर कंसीव कर जाएगी उसके बाद जो भी पौष्टिक आहार अपने मवेशी को देंगे उसके जानवर के शरीर को लगेगा इसमें हम लोगों ने बांझपन के रुकाव के लिए बचाव के लिए हम लोगों ने मिनरल मिक्सचर दिया है पौष्टिका के नाम से आता है अच्छे गुणवत्ता के साथ जो मिनरल और डिफेंशसी के कमी के कारण जो जानवर हीट में नहीं आती है उसके लिए हम लोगों ने पोष्टिका करके मिनरल मिक्सचर लेके आया है एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है जिस एरिया में जिस तत्व की कमी है उसको देखते हुए एनडीडीबी के गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने मिनरल मिक्सचर तैयार किया है क्योंकि आप भी जानते हैं कि मिट्टी में जो खनिज लवन की कमी होगा उसी मिट्टी से हरा चारा उत्पन्न होता है वही हरा चारा किसान काट के जानवर के नाद में डालता है तो ऑटोमेटिक है कि जो मिट्टी में खनिज लवन की कमी होगा जानवर के शरीर में होगा और जिससे जो खनिज लवन की कमी होगा उसके चलते हमारे बिहार में एट्टी जो पशुपालक है बांझपन के शिकार उनके जानवर हो रही हैं उसे बचाव के लिए हम लोगों ने पोष्टिका करके एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर लाया है उसमें हर एक पशुपालक भाई से यही अनुरोध रहेगा कि उसमें पच्चीस से तीस ग्राम और पौष्टिका जो है पचास ग्राम मिला प्रतिदिन खिलाएं तो बांझपन की हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके बाद हमारे पशुपालक भाई लोग को दूध में फैट और एस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि पूरे भारत में देखा जाए तो दूध हमारे नंबर वन पे आता है जब दूध की क्वालिटी और गुणवत्ता की जब जांच होती है वर्ल्ड लेवल पे तो हम लोग सबसे नीचे पौधा पे आ जाते हैं क्यों क्योंकि उसमें दूध और फैट के एस उसमें नहीं मिल पाता है उसको देखते हुए हम लोगों ने लैक्टोबूस्ट करके लाया है बाईपास फैट है उसमें कैल्शियम है हर्बल गलेक्टा गो है और सेक्रोमाइसिस सर्विसिया है कि जो जानवर खाना खा रही है गोबर में कुट्टी आ रही है जो खाना नहीं पच रहा उसमें पचाने में भी मदद करेगा और जो निगेटिव एनर्जी स में जो जानवर जा रही है देखते होंगे कि जो पशुपालक भाई लोग गाभिन जानवर होने से पहले जो खाना देते हैं वही गाभिन होने के बाद भी देते हैं क्योंकि जबकि यूट्रस में जब बच्चा पल रहा होता है तो यूट्रस का साइज जैसे जैसे बढ़ता है तो पेट का साइज छोटा होता है तो जानवर खाना उतना ही देते हैं जबकि जानवर को खाना उतना नहीं होता है उनका जो तीस रुपया पर डे एक डोज का हिसाब से जो किस पशुपालक को लॉस होता है वो भी लॉस उसको हो रहा है और उनका जो कुट्टी भूसी जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद हो जाती है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि गाभिन अवस्था में कैसे कितना भोजन देना चाहिए उसको देखते हुए हम लोगों ने एरिया जानवर 45 से दिन में उसका मिल्क इलेक्ट्रिशन जितना होता है उतना देती है, कौन है वो? बूस्ट के नाम से आता है ये प्रोडक्ट है आपका ये प्रोडक्ट है लेप्टोबूस्ट ये बाईपास फैट है होता क्या कि बच्चा देने के बाद देखते होंगे 45 से 90 दिन तक पिक लेवल पे जो दूध देने का कैपेसिटी होता है वो जाते हैं और 45 90 दिन के अंदर ही जानवर देखते होंगे दूध कम करने लगती है उस पीरियड में जब जानवर बच्चा दे देती है उसका जड़ बढ़िया से गिर जाता है जिसको रिप्लेंटा बोलते हैं अगर गिर जाता है उसके बाद पशुपालक इसको लगातार 50 पचास ग्राम करके अगर देते हैं तो दूध का लेवल जो है पशुपालक उसी के उसी पशु से एक दिन तक अगर दस लीटर दूध देने वाली है तो कॉन्स्टेंट दूध का लेवल जो है कॉन्स्टेंट बना के रखता है और दूध में फैट भी बढ़ेगा एस भी बढ़ेगा जो जानवर मन से नहीं खा रही है चाव से नहीं खा रही है लिसीर विसीर करके खा रही है उसमें भी इसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और जानवर हेल्थ भी रहेगा और एक दिन तक अपने मवेशी से अगर दस लीटर दूध देने वाली है तो दस लीटर दूध लेंगे और पशुपालक को मुनाफा होगा जो कि अच्छा, तीस दिन में ही दूध की कमी हो जाती है उनको घाटा होने लगता है दूध का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है तो इसको खिलाने से उनको उचित मूल भी मिलेगा अच्छा इसमें किसानों को भी कुछ पे करना है क्या इसमें कंट्रीब्यूशन राशि के नाम पे सौ रुपये दान देना है ऐसे था गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी चल रही थी कि जो जो भी जनरल वर्ग के पशुपालक हैं उसको 80 परसेंट और जो एसी एस हैं अनुसूचित जनजाति के हैं उनको 10 परसेंट कंट्रीब्यूशन राशि के रूप में किसान को अनुदान के रूप में उनको जमा करना था लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके कि गरीब पशुपालक हैं रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने मना कर दिया सिर्फ सौ रुपये एक किट जो लेंगे उस सौ रुपये कंट्रीब्यूशन राशि के रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पर उनको जमा करना है और ये जो किट है उनको मुफ्त में मिल रहा है लागत की किट कि लगभग पांच हजार की एक किट है पांच हजार मूल किट की जो किट मत है एक पाँच हज़ार शुल्क में हाँ मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क में मिल जाए बहुत धन्यवाद देखिए मुखिया प्रतिनिधि मुखिया जी हैं क्या कहेंगे एकौना आपके इका एक पंचायत में जिस तरह की सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही है आ, क्या कहेंगे इस पर क्या प्रकाश डालेंगे सबसे पहले तो मेरे आए हुए जिला से कृषि पदाधिकारी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पंचायत में कार्यक्रम हुआ और हमारा पंचायत चयनित हुआ चयनित होने के बाद ही ये कार्यक्रम है अब पंचायत में सिर्फ हमारा ही गाँव एकौना एक पंचायत चयनित हुआ है नहीं तो पंचायत बहुत बड़ा है कम से करीब करीब बारह हज़ार वोटर हैं तो बारह हज़ार वोटर में किट बांटना संभव नहीं था तो एक गांव पंचायत में चयनित हुआ है तो एकना गाँव के ही कितने हमारे पास पंचायत लेवल के वोटर लोग या आदमी या औरत लोग आके पशुपालन और पशुपालक और मैंने तमाम मैंने जो भी बीच में रास्ते में मिलते हैं तो पूछते हैं कि ये चीज़ कब होगा दूसरे पंचायत में हुआ है ये चीज़ कब होगा दूसरे पंचायत में हुआ उस पर हम लोगों को ध्यान आकर्षित किए हैं कि आपकी बार हमारे मैंने किसी विभाग में जो मीटिंग हुआ उसमें हम रखेंगे कि सिर्फ पंचायत में ही, मने एक ही मैंने एक गांव ही पंच चयनित हुआ है इसमें और दायरा बढ़ाना है तो थोड़ा बढ़ाइए रिक्वेस्ट करेंगे इस इसमें कितने किसानों को चयनित किया गया आपके पंचायत अभी तो पहला फर्स्ट वीक में अभी फर्स्ट वीक हो रहा है तो सौ सौ किसान चयनित हुए हैं सौ किसान के हम लोगों के पास सौ किट उपलब्ध है और सौ किट बांटेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर क्या क्या आज एकाउना में क्या क्या आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एकौना में मुख्य रूप से अभी एनिमल हेल्थ किट का वितरण किया जाना है हमारे तरफ से जो है इसमें सौ किट का वितरण होना है जो मुखिया जी द्वारा जो किसानों का चयन किया गया है पशुपालकों का जो चयन हुआ है उनको आज वितरण करना अच्छा सर देखा जा रहा है चूँकि बहुत कम सिलेक्टेड कुछ पंचायत है हर जगह ये किट का व्यवस्था नहीं की जा रही क्या कारण है इसके पीछे दरअसल ई में जिन जिन गाँवों को सम्मिलित किया गया है उसमें उन्हीं गाँवों को एनिमल हेल्थ किट का वितरण करने का भी प्रावधान है आगे अगर शामिल होता है तो उसको किया जाएगा धन्यवाद आप क्या कहेंगे सर हम कहेंगे कि आज यहाँ एकोना पंचायत में एनिमल हेल्थ किट का सौ किट वितरण की जाएगी और दलहनी बीज चना और मसूर का सौ किट वो भी आई है उसमें कुछ वितरण किया गया है और कुछ वितरण हम लोग आज करेंगे यहाँ प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत एनिमल हेल्थ किट और दलहनी बीज किट वितरण किया गया है और उसी के मुखिया जी की अध्यक्षता में इसका वितरित की जाएगी यानी कि बीज वितरण हाँ यहाँ बीज भी दलहनी हाँ, बीज वितरण हर पंचायत में की जा रही है यहाँ भी की जाएगी यहाँ तो क्या क्या चाहिए दलहनी में दलहनी बीज वितरण में इसमें चना है चना का पचास पैकेट है और मसूर का पचास पैकेट है चना में एक एकड़ में एक एकड़ का बीज है प्लस उसमें दवा है मैंने सोइंग से लेकर के कटाई तक का भी दवा उसमें है उपलब्ध है उसी तरह मसूर का भी है एक एकड़ का सोइंग से लेकर के कटाई तक दवा और बीज दोनों है सर्टिफाइड बीज है बिहार राज्य बीज निगम का बीज है किसानों को इसको दिया जा रहा है सब किसानों को मुखिया जी के द्वारा चयनित किसान हैं को दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आ, आ, क्या इससे किसानों को बेनिफिट हो सकता है क्या क्या इससे फायदे होंगे देखिए इसमें जो पशुपालन के लिए पशुपालकों भाइयों बहनों को ये पशु किट दिया जा रहा है उससे बहुत सारी ऐसी बीमारी पशुपालक भाई बहन यूज़ करते हैं कैल्शियम मिनरल्स दवाई उसी उसी को आगे बढ़ाते हुए ये ये मुखिया जी द्वारा पचास चयनित पशुपालकों को हम लोग किट प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के टू जीरो के अंतर्गत प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग ये किट वितरित करवा रहे हैं इससे पशुपालक भाई बहन का जो है वो इनकम बढ़ेगा इसी उद्देश्य से ये पशुपालन किट जो है वितरित किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ दलहनी बीज किट भी वितरित किया जा रहा है जिसमें चना और मसूर दोनों का प्रत्येक किसान को एक एकड़ एक 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 का बीज दिया जाएगा और उसके साथ ही साथ बीज उपचार करने के लिए उसमें जो केमिकल यूज़ होता है वो भी और पोट बोरर एक लगता है चना की फसल में जो फली छेदक जो फली छेदक कीट जो कि की बहुत ज़्यादा नुकसान करता है फसल को उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसमें इंसेक्टिसाइड दिया गया है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तो आपने देखा किसानों को ध्यान में रखते हुए आ, ये तमाम किट बनाए गए हैं दलहनी बीज वगैरह के किट या जो भी मेडिकल किट प्रोवाइड किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब ने इस पर प्रकाश भी डाला कि इससे क्या किसानों को बेनिफिट हो सकता है मवेशी कैसे ज़्यादा दूध देंगे या फिर और भी बहुत तमाम चीज़ों पर सर लोगों ने प्रकाश डाला हालांकि अभी बहुत कम किसान सेलेक्ट हुए हैं आ, धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत बढ़ेगी किसानों का लिस्ट तैयार होगा उन तमाम लोगों को लेकिन सरकार की एक अच्छी पहल है और हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये ब्रिलियंट फार्मा कंपनी का है ब्रिलियंट बायो फार्मा कंपनी के द्वारा चूँकि अच्छी गुणवत्ता प्रोवाइड करती है उसके द्वारा ये सारी व्यवस्था की गई है और सरकार इसको दे रहा है और किसानों से कोई शुल्क नहीं ले रहा है हालांकि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सौ रुपये मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क है लेकिन जो भी किट किसानों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगभग पाँच हज़ार रुपये की लागत की है जिससे किसानों को

Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs.